बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पढ़ने हैं बायोकेमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 13 है। इसके इंट्रोडक्शन को हम देखते हैं। हमारे पास क्या है, द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास मोस्टली जो है वो किसकी बनी हुई है, केमिकल एलिमेंट्स की। अब मोस्ट कॉमन जो एलिमेंट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ये मोस्टली केमिकल्स हैं जिनसे हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी क्या मेड है। अब केमिकल एनालिसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म हमारे पास साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के कम्बिनेशन को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये शो करते हैं कि इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें पता है वो हैं जिनमें हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अदर देन दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनका कार्बन का किसी के साथ भी बॉन्ड हो अदर देन हाइड्रोजन। दीज कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन समवट डिफरेंट प्रोपोर्शंस इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। इनके डिफरेंट प्रोपोर्शंस होती हैं, हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट क्वांटिटी होती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं सेम ऑर्गेनिजम्स के। अच्छा, वो कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कंसिस्ट हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड वाइटामिन्स। अब इन सब मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब बायोकेमिस्ट्री जो है हमारे पास वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और उनके रिएक्शंस की, जो किस में हो रहे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। बायोकेमिस्ट्री क्या है बेसिकली, ये स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और उनके रिएक्शंस की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में टेक प्लेस हो रहे हैं। अब केमिकल नॉलेज होगा हमारे पास, हमें टेक्निक्स को यूज़ करेंगे तो बायोकेमिस्ट जो है वो अंडरस्टैंड करता है और सॉल्व कर लेता है डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को। अब इसमें बायोकेमिस्ट्री में हम फोकस मेनली किस पे करते हैं, जो मॉलिक्यूलर डिफरेंट प्रोसेस वकूअ पज़ीर हो रहे होते हैं या वाक़िया हो रहे होते हैं, उन पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। अब हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जो हम स्टडी करेंगे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हमें पता है कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास नेचुरली अक्रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें हमारे पास ग्लूकोज आ जाते हैं, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च एंड सेलुलोज। अब ग्लूकोज की एग्जांपल में देखें तो ग्रेप शुगर आ जाती है, फ्रुक्टोज में देखें तो हनी आ जाता है, सुक्रोज में देखें तो हमारे पास शुगर केन आ रही है, स्टार्च में पोटैटोज आ रहे हैं और सेलुलोज में वुड आ रही है। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इनमें एलिमेंट्स हैं ना, या एटम है हम कह सकते हैं। अब इनकी जो रेशियो होती है 1:2:1 है, मतलब एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। वो कहते हैं समटाइम्स ना ये नाइट्रोजन को भी कंटेन करते हैं जिसको हम काइटिन कहते हैं, कुछ इसको चाइटिन पढ़ते हैं, लेकिन सल्फर भी इसमें हमारे पास होते हैं जिसमें हम कैराटिन कहते हैं, जो नेल्स में, हेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। अब इनका जो जनरल फार्मूला है वो हमारे पास CnH2O(n). एन है इसमें नंबर ऑफ वैल्यू है, ये 3 भी हो सकता है और 3 से ग्रेटर भी हमारे पास एन हो सकते हैं। लेकिन हम अगर मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के। कार्बोहाइड्रेट्स के हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इन सब्सटेंस में हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप्स और कीटोन फंक्शनल ग्रुप्स होता है। कौन कौन सा होता है, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम यूजली रेफर करते हैं एज अ सैक्राइड। अगर हम लैटिन वर्ड देखें तो सैक्रम का मतलब होता है शुगर। इनका मीठा टेस्ट या स्वीट टेस्ट होने की वजह से और सिंपलर मेंबर है ये हमारे पास क्लास के, तो हम कॉमनली इसको कह देते हैं शुगर। राइस, व्हीट, बिस्किट्स, पोटैटो, ग्रेप्स, ओट्स, ये सारी क्या हैं हमारे पास सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनसे हम कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो हम इसको डिवाइड करते हैं 3 मेन क्लास में। दिस डिवीजन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं। अब जो इनकी क्लासेस की डिवीजन है वो नंबर ऑफ सिंपल शुगर यूनिट जो पर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है ये उस पर बेस करती है। सबसे पहले मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स,
देन कम पॉलीसेक्राइड्स। अब जो हम पहले डिस्कस करेंगे वो हम मोनोसेक्राइड्स को डिस्कस करेंगे। वो क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड्स के हैं सिंपलेस्ट शुगर के वन शुगर यूनिट पर मॉलिक्यूल्स। एक शुगर यूनिट होता है एक मॉलिक्यूल में, और मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का हमारे पास। ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होता है, हाइड्रोलाइज होकर ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बनाता है, सिंपल कंपोनेंट है ये हमारे पास, फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होता है सिंपल कंपोनेंट्स में। अब जो जनरल फार्मूला है वो हमारे पास है CnH2ON। अब n इसमें 3, 4, 5 सो ऑन, लेकिन ग्रेटर देन 3 होंगे, लेस देन 3 नहीं होंगे। अब जो मोनोसेक्राइड्स है उसमें कार्बन नंबर कितने होते हैं, 3 to 9 कार्बन एटम, 3 से 9 तक हो सकते हैं, 3 से कम नहीं होंगे। अब मोनोसेक्राइड्स को हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होने की वजह से, ट्राइओसिस हैविंग 3 कार्बन एटम, टेट्रोसिस 4 कार्बन एटम, पेंटोसिस 5 कार्बन एटम, हेक्सोसिस 6 कार्बन एटम एटसेट्रा। अब दो इंपॉर्टेंट हमारे पास मोनोसेक्राइड्स हैं, शुगर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आते हैं। ग्लूकोज और जो फ्रुक्टोज है ये हमारे पास हेक्सोसिस हैं एंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, एंड कार्बन 6 है ना, हेक्सोस इनका हमारे पास फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12O6। अब इन मोनोसेक्राइड्स में जो ग्लूकोज है वो CLD में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, और जो फ्रुक्टोज है वो पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। हमारे पास ग्लूकोज क्या है वो एल्डिहाइड है, फ्रुक्टोज क्या है कीटोन है, उसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। अब इनकी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर फार्मूला है वो हमने डायग्राम में देखें तो हमें नज़र आ रहा है, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप में क्या है हमारे पास ग्लूकोज में, हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे थे जिसमें हमारे पास ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप और फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप था। अब एल्डिहाइड ग्रुप देखो, हमारे पास H बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के एल्डिहाइड ग्रुप है। हमने पढ़ा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो एक साइड पे R ग्रुप लगता है और एक साइड पे हाइड्रोजन होता है, R ग्रुप में हमारे पास ये ग्लूकोज की चेन आ गई। कीटोनिक ग्रुप में देखो, हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप लगता है, ये हमने किया है। हम अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें मोनोसेक्राइड्स की, तो हमारे पास हम इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसेक्राइड्स जो कहें हैं कि मोस्टली मोनोसेक्राइड्स का जो टेस्ट है वो स्वीट टेस्ट है, फ्रुक्टोज का स्वीट टेस्ट है, लेकिन 73% स्वीटर देन दी सुक्रोज। सबका टेस्ट मोस्टली जो मोनोसेक्राइड्स हैं इनका टेस्ट स्वीट है, लेकिन जो फ्रुक्टोज है उसका टेस्ट स्वीट टेस्ट है। अब जो 73% है वो स्वीटर होता है देन सुक्रोज। ये हमारे पास यूजली क्या है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, कलरलेस क्रिस्टलाइन, इनका बेरंग होते हैं और ये क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं हमारे पास रूम टेम्परेचर में। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि ये कम्प्लीटली सॉलेबल हो जाते हैं वाटर में, ये मुकम्मल तौर पर पानी में हल हो जाते हैं, और इनके प्रेजेंस हायर मॉलिक्यूलर वेट होने के बावजूद जो प्रेजेंस है लार्ज नंबर ऑफ OH ग्रुप मेक द मोनोसेक्राइड्स मच मोर वाटर सोलेबल देन मोस्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मैस। क्या कहते हैं इसका, हायर मॉलिक्यूलर वेट होने के बावजूद भी इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो इसको इतना वाटर सोलेबल बना देते हैं, बेशक इसका मॉलिक्यूलर मैस मॉलिक्यूल्स जो मोस्ट मॉलिक्यूल्स हैं या मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के सिमिलर है। अभी जो हमने डिस्कस किया, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा बेसिक सा, जिसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया। कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ा कि इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल और एल्डिहाइड है। उसके बाद हमने कहा कि इसकी 3 टाइप्स हैं, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोर पॉलीसेक्राइड्स। हमने मोनोसेक्राइड्स को डिस्कस किया, हमने मोनोसेक्राइड्स में पढ़ा कि ये सिंपलेस्ट है, ये बेसिक यूनिट है, उसके हमने कहा कि ये जनरल फार्मूला जो n है वो 3, 4, 5 सो ऑन है, लेकिन जो मोनोसेक्राइड्स में मोस्टली कार्बन है वो 3 से 9 है। हमने कहा कि वो फर्दर क्लासिफाइड करते हैं नंबर एटम के प्रेजेंट होने की बेस पे, जैसे ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस,
देन हमने बात की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स की, कि हम देखा ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है, ये स्वीटर टेस्ट है इनका, ये वाटर में कम्प्लीटली सॉलिबल हो जाते हैं, ऑल दो इनकी चेन लंबी है, मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है, लेकिन जितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़्यादा होने की वजह से वो इसको क्या बना देते हैं, वाटर सॉलिबल बना देते हैं। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, इनकी डायग्राम आ जाती है फ्रुक्टोज की सुक्रोज की, दो नंबर का स्टेप फार्मूला वो कह देते हैं राइट करें, या एमसीक्यूज में आ जाएगा कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम इनकी रेंज है, या जनरल फार्मूला क्या है, या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पूछी जा सकती हैं, और हमसे ये पूछ सकते हैं कि लैटिन सेक्रम मीनिंग शुगर है, ये एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है हमारे पास।